जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बार फिर बड़ी आतंकी वारदात सामने आई है। यहां आतंकवादियों ने एक बैंक में घुसकर बैंक के मैनेजर को गोली मार दी है। कुलगाम में बैंक में घुसकर राजस्थान के रहने वाले मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी गई है। मैनेजर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर बड़गाम के बाद कुलगाम में कश्मीरी पंडितों के बाद अब गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। बैंक मैनेजर की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को ही आतंकवादियों ने कुलगाम में ही एक सरकारी स्कूल की टीचर रजनी बाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले बड़गाम में तहसील परिसर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है और वे खुद की सुरक्षा तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीते 5 महीनों में ये 17वां मामला है जब इस तरह से किसी आम नागरिक या कर्मचारी की हत्या की गई है। उधर कश्मीर में आतंकी वारदातों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसे में कुलगाम की घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हत्याकांड के बाद जम्मू संभाग में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोगों का कहना है कि सरकार को कुछ उपाय करने होंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षित पोस्टिंग की बात कर रही है, लेकिन कश्मीर में कोई भी स्थान हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है।